एल्विश यादव को कोटा पुलिस ने पकड़ा। 20 मिनट तक की स्टार से पूछताछ प्रे पार्टी को लेकर आए हैं कंट्रोवर्सी में। वेल, सलमान खान के कंट्रोवर्शियल रियलिटी शो बिग बॉस OTT2 के विनर एल्विश यादव इस वक्त काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी में फंसे हुए हैं। एल्विश यादव के ऊपर रेप पार्टी को ऑर्गेनाइज करने और साथ ही साथ सांप के जहर को तस्कर करने का आरोप लगाया गया है। अब इसी सिलसिले में एल्विश यादव को कोटा से गिरफ्तार भी कर लिया गया है। जी हां, एल्विश यादव के नाम रेप पार्टी और सांप के जहर की सप्लाई के साथ फ्राइडे को जोड़ा गया, जिसके बाद उनके खिलाफ नोएडा में FIR भी दर्ज कराई गई थी। अब उन्हें कोटा में हिरासत में लेने के बाद उनसे 20 मिनट की पूछताछ की गई, जिसके बाद एल्विश यादव को छोड़ दिया गया है। आपको बता दें, एल्विश यादव से रिलेटेड ये कंट्रोवर्सी जो है इस वक्त काफी ज्यादा लाइमलाइट में बनी हुई है और इस मुद्दे को लेकर काफी ज्यादा गर्मा गर्मी भी देखने को मिल रही है। एल्विश यादव ने अपना बयान भी इस पूरे मामले पर दिया है और एल्विश यादव का कहना है कि उनका रेप पार्टी या फिर सांपों की तस्करी से कोई भी लेना देना नहीं है। हालांकि इसके बावजूद एल्विश यादव पर FIR हुई है। एल्विश यादव ने पुलिस के साथ पूरा सहयोग करने की बात भी की है। एल्विश यादव को कोटा में नाकाबंदी के दौरान अरेस्ट किया गया, जिसके बाद उनसे 20 मिनट की पूछताछ की गई और नोएडा पुलिस को इस बारे में इन्फॉर्म भी कर दिया गया, जिसके बाद एल्विश यादव को पूछताछ के बाद छोड़ भी दिया गया है। आपका एल्विश यादव की चल रही इस कॉन्ट्रोवर्सी पर क्या कुछ है कहना, हमें कॉमेंट्स में जरूर बताएं। ऐसी ही अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।